तो एक आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसे कि आपको बताइए कि फ्लिपकार्ट पर आपको एक्सिस बैंक की तरफ से एक क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है, उसके अप्लाई करने के काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाते हैं, बट उस कार्ड के रिव्यू के बारे में काफ़ी कम वीडियोज़ आपको देखने को मिलते हैं। रिव्यू मतलब इस कार्ड की जो भी डिटेल्स होती हैं वो काफ़ी लोग कम बताते हैं, और इन डिटेल्स को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो चीजें इस कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी। तो आज की इस वीडियो में डिटेल टू डिटेल इसी कार्ड के बारे में हम बात करेंगे कि इस कार्ड को आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप इस कार्ड को अप्लाई कर देते हो तो आपको क्या क्या चार्जेस देखने को मिलते हैं, और साथ में अगर आप इस कार्ड को कैशबैक के कारण अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। सो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, तो एंड तक कंप्लीट वॉच जरूर कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी बैंकिंग नॉलेज मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने जा रहे हैं तो क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अगर आपकी एज है वो 18 प्लस होनी चाहिए, एंड गाइस अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपके पास ITR होना चाहिए और साथ में आइडेंटिटी प्रूफ भी होना चाहिए। ये दो चीजें अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड तो ये होनी चाहिए तभी आप इस कार्ड को अप्लाई करना, तभी ये अप्रूव्ड होने वाला है, और साथ में सिविल बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो हो सकता है ये कार्ड अप्रूव्ड हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट जो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, इधर पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं। इधर पर आपके पास लेटेस्ट पे स्लिप होनी चाहिए और साथ में सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, साथ में बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, साथ में फॉर्म 16 होना चाहिए। ये चीजें एक सैलरीड पर्सन के पास होनी चाहिए अगर वो अप्लाई करना चाहता है कार्ड को। वैसे तो सिविल बेस पर काफी ज्यादा लोगों को मिल जाता है, अगर आप सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप सिविल बेस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपके पास देखने को नहीं मिलेगी। बट आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड जरूर होना चाहिए और सिविल स्कोर होना चाहिए, तो ये चीजें आप ध्यान रख के चलिएगा। अगर आपके पास सिविल स्कोर नहीं है तो इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप इस कार्ड को अप्रूव्ड करा सकते हो। गाइस हम बात करते हैं कि अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो तो आपको कैशबैक कितना देखने को मिलेगा परचेज करने में किसी भी प्रोडक्ट को। गाइस अगर आप फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं इस कार्ड के थ्रू तो इधर पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलेगा अगर इस कार्ड के थ्रू आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। बट और साथ में गाइस फ्लिपकार्ट के पार्टनर ब्रांड्स पर आप इस कार्ड के थ्रू शॉपिंग करते हैं तो आपको 4% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। अब इनके पार्टनर ब्रांड्स कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्लियर ट्रिप देखने को मिल जाता है, क्योर फिट आपको देखने को मिल जाता है, साथ में PVR सिनेमास देखने को मिल जाता है, स्विगी देखने को मिल जाता है, टाटा 1MG देखने को मिल जाता है, UBR भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इतने कुछ पार्टनर ब्रांड्स इनके आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इन पार्टनर ब्रांड्स पर भी आप शॉपिंग करते हैं इस कार्ड के थ्रू तो आपको 4% का कैशबैक देखने को मिलेगा इस कार्ड के थ्रू। और साथ में हम बात करते हैं अगर आप किसी अदर मर्चेंट पर पेमेंट करते हैं तो उधर पर आपको सभी पर 1.5% का कैशबैक देखने को मिलेगा। साथ में गाइस इसके अलावा आप कहीं भी शॉपिंग करते हैं इस कार्ड के थ्रू तो 1.5% का आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। अब गाइस हम बात करते हैं कि किन किन प्रोडक्ट में आपको किसी भी तरह का इस पर कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, तो आप जैसे कि डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं और मैं बता भी देता हूं। तो साथ में आप फ्यूल भराते हैं मतलब फ्यूल स्पेंड्स करते हैं तो इधर पर कोई भी आपको इधर पर कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, और साथ में आप गिफ्ट कार्ड वगैरह मिंत्रा का या फिर फ्लिपकार्ट का परचेज करते हैं तो इधर पर कोई भी आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। EMI ट्रांजैक्शंस पर भी आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। साथ में आप EMI मतलब जैसे आप सोचते हैं कि फर्स्ट EMI हम पे कर दें और साथ में EMI क्रिएट करवा लें तो इस पर भी आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। साथ में गाइस इधर पर आप वॉलेट लोडिंग भी करते हैं तो इधर पर कोई भी आपको कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। साथ में ज्वेलरी आइटम अगर आप परचेज करते हैं तो इधर पर भी आपको कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा। साथ जितने कुछ आइटम्स में आपको एक भी रुपए का कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा इस कार्ड के थ्रू। गाइस हम बात करते हैं कि जो 1100 रुपए का कैशबैक बताया जाता है अगर आप अप्लाई करने जाते हैं इस कार्ड को तो उधर पर लिखा हुआ आता है कि 1100 रुपए का आपको इस कार्ड को अप्लाई करने के बाद कैशबैक देखने को मिलेगा। अब वो कैशबैक आपको कैसे देखने को मिलेगा उसके बारे में हम डिटेल टू डिटेल बात कर लेते हैं।
हैं। अब ये जो 1100 रुपए का कैशबैक है वो आपको 3 पार्ट में देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको अपने फ्लिपकार्ट के थ्रू फर्स्ट ऑर्डर में इस कार्ड के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, तो आपको 500 रुपीज का वाउचर देखने को मिलेगा। अब ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा, उस पर भी टर्म एंड कंडीशन है। अगर ये कार्ड आपके पास आ गया है उसके 30 डेज के अंदर ही ये पेमेंट आपको करना पड़ेगा, तभी ये वाउचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप 30 डेज के अंदर फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो आपको 500 रुपीज का वाउचर देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पर। कोई भी कैशबैक देखने को नहीं मिलेगा, 500 रुपीज का वाउचर देखने को मिलेगा। अब उस वाउचर को कैसे यूज करेंगे उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, इसको यूज करने के लिए फ्लिपकार्ट से आप किसी सेकंड प्रोडक्ट को मंगाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो उस पर आप इस वाउचर को कटा सकते हैं। और ये वाउचर की जो वैलिडिटी होती है वो 12 मंथ तक आपको देखने को मिल जाती है। तो 12 मंथ के अंदर किसी सेकंड प्रोडक्ट को आप ऑर्डर कर फ्लिपकार्ट से इस वाउचर को आप यूज कर सकते हैं। तो 500 रुपए तो ये हो गए आपके कैशबैक, और 500 रुपए जो आपको देखने को मिलते हैं वो मिंत्रा पर देखने को मिल जाते हैं। मिंत्रा पर आपको कोई भी वाउचर देखने को नहीं मिलता। सिंपल से मिंत्रा पर आप फर्स्ट मतलब पेमेंट करते हैं इस कार्ड के थ्रू, तो 500 रुपीज का आपको इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिल जाता है। अब वो कैशबैक आप नेक्स्ट प्रोडक्ट को ऑर्डर करने में यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं आप किसी प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं वो ऑलरेडी ऑफर में चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि उस पर हम ये कैशबैक कटा दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर आप उस प्रोडक्ट का डिस्काउंट जो चल रहा है उसको यूज कर पाएंगे, या फिर इस जो भी कैशबैक आपको देखने को मिला है उसको यूज कर पाएंगे, एक ही चीज को यूज कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि भाई उसका डिस्काउंट भी यूज कर लें और साथ में इस कैशबैक को भी यूज कर लें मिंत्रा पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, एक ही चीज आप यूज कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको मिंत्रा पर देखने को मिलेगी, 500 रुपीज का मिंत्रा पर ऐसे आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। और जो बचा हुआ 100 रुपए का कैशबैक है वो आपको डायरेक्टली स्विगी पर देखने को मिलेगा। उस पर आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, एक कूपन देखने को मिलेगा, उस कूपन कोड को अप्लाई करके डायरेक्ट इंस्टेंट डिस्काउंट 100 रुपए का कूपन के साथ में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको 1100 रुपए का इधर पर कैशबैक दिया जाता है। अगर आप सोच रहे थे डायरेक्टली आपको 1100 रुपए का कैशबैक देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे ही आपको इधर पर कैशबैक देखने को मिलेगा। और साथ में गाइस, अगर आप सोचते हैं कि भाई इस कार्ड की अच्छी खासी हमको लिमिट देखने को मिल गई है, अभी इस कार्ड के थ्रू कुछ पैसों को हम विड्रॉल कर लें तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो इसके लिए आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप इस कार्ड के थ्रू अपने कैश को विड्रॉल करते हैं तो जितना भी आप विड्रॉल करेंगे उस पर आपको 2.5% की पेनाल्टी देखने को मिल जाती है। अब ये 2.5% की पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी डायरेक्टली एक्सिस बैंक को, ये जरूरी है। इस कार्ड से आप कभी भी विड्रॉल मत करना, नहीं तो इतनी पेनाल्टी आपको इधर पर देखने को मिल जाती है। और साथ में गाइस, अगर आप सोचते हैं कि भाई अगर हम इस कार्ड के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं और जो इसका रीपेमेंट होता है कार्ड का उसको हम मिस कर जाते हैं उसकी ड्यू डेट को, तो हम पर कितनी पेनाल्टी लगेगी, उसकी पेनाल्टी के बारे में भी मैं डिटेल टू डिटेल आपको बता देता हूँ। जो पेनाल्टी आपको देखने को मिलेगी, अगर आप 300 का कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं और उसको मिस कर जाते हैं उसकी ड्यू डेट, तो इधर पर आपको कोई भी पेनाल्टी देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आप 301 रुपीज से 501 रुपीज तक का पेमेंट करते हैं और साथ में इसको आप भूल जाते हैं, इसका ड्यू डेट मिस कर जाते हैं रीपेमेंट करने के लिए, तो इधर पर आपको 100 रुपीज की पेनाल्टी देखने को मिलेगी। और साथ में गाइज, 501 से लेकर 1000 तक अगर आप इसकी ड्यू डेट मिस कर जाते हैं, इसका रीपेमेंट इतना नहीं कर पाते, तो आपको 500 रुपीज की पेनाल्टी आपको इधर पर देनी पड़ेगी। और साथ में गाइज, 1001 से लेकर 10000 तक की अगर आप शॉपिंग कर लेते हैं, इसकी आप ड्यू डेट मिस कर जाते हैं, तो इधर पर आपको 500 की पेनाल्टी देखने को मिलेगी। और साथ में गाइज, अगर आप 10001 से लेकर 25000 तक की शॉपिंग कर लेते हैं और इस कार्ड का रीपेमेंट नहीं कर पाते ड्यू डेट पर, तो इधर पर जो आपको पेनाल्टी देखने को मिलेगी वो 750 रुपीज की पेनाल्टी देखने को मिलेगी। और अगर आप 25001 रुपीज से लेकर 50000 के बीच में शॉपिंग करते हैं इस कार्ड के थ्रू और इसका रीपेमेंट आप टाइम पर नहीं करते, तो इधर पर आपको 1000 रुपीज की पेनाल्टी देखने को मिलेगी। और साथ में गाइस, अगर आप 50000 से भी ऊपर करते हैं शॉपिंग और इसका आप जो भी ड्यू डेट होती है रीपेमेंट का वो नहीं कर पाते, तो इधर पर आपको 1000 रुपीज की पेनाल्टी देखने को मिल जाती है। तो रीपेमेंट करने में आप बिल्कुल भी मत इधर पर डिले करना, क्योंकि रीपेमेंट अगर आप टाइम पर नहीं करते तो इतनी पेनाल्टी आपको देखने को मिल जाती है, ये देनी पड़ेंगी आपको। साथ में कैसे अब हम बात करते हैं, इस पर आपको कुछ फ्यूल बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जो में कैसे अगर आप 400 से लेकर 4000 तक का आप फ्यूल भराते हैं तो जो 1% का सरचार्ज आपको देखने को मिलता है तो ये वेब्ड ऑफ हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये वेब्ड ऑफ हो जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। साथ में कैसे जो मंथ में आप कैशबैक अर्न कर पाएंगे वो 4000 तक की मैक्सिमम कैशबैक अर्न कर पाएंगे इस कार्ड के थ्रू।
और गाइस इस कार्ड पर आपको 4 एयरपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्चेस आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में गाइस अगर आप ओवर लिमिट स्पेंड कर लेते हैं इस कार्ड के थ्रू, जैसे कि 50,000 आपको लिमिट दी गई है इस कार्ड पर, और आप 50,000 से भी ज़्यादा स्पेंड कर लेते हैं इस कार्ड के थ्रू, तो आपको जो पेनल्टी देखने को मिलेगी, अब जैसे कि आपने 60,000 रुपीज़ इधर पर यूज किया और साथ में जो आपकी कार्ड की लिमिट है वो 40,000 रुपीज़ है, अब जो 20,000 का एक्स्ट्रा आपने यूज किया उसकी जो पेनल्टी लगेगी उस पर आपको 2.5% की पेनल्टी आपको इधर पर देखने को मिल जाती है। तो आप कभी भी ओवर लिमिट यूज मत करना इस कार्ड की, क्योंकि आपको 2.5% की पेनल्टी इधर पर लगाई जाती है जितना भी आप ओवर लिमिट का अमाउंट स्पेंड करेंगे, तो उस पर आपको 2.5% की पेनल्टी देखने को मिल जाती है। इतने कुछ आपको बेनिफिट्स और साथ में इस कार्ड के नुकसान आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि डिटेल टू डिटेल आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। अब गाइस हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि इस कार्ड को आपको अप्लाई करना चाहिए फिर आपको नहीं करना चाहिए। सो गाइस अगर आप फ्लिपकार्ट से या फिर मिंत्रा से काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं और आपका जो 500 रुपीज एनुअल चार्ज लगता है, अगर आप वेब ऑफ करना चाहते हैं तो आपको 2,00,000 तक की मैक्सिमम इधर पर शॉपिंग करनी पड़ेगी, तब जो आपका जो एनुअल चार्ज लगता है 500 रुपीज का वो वेब ऑफ हो जाता है। तो अगर आप ज्यादा शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा से, तो आपको 5% की कैशबैक भी देखने को मिलेगी और साथ में जो एनुअल चार्ज है वो भी आपका वेब ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपका ज़्यादा यूज है इनके साथ में, शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, तो कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि कैशबैक भी अच्छी देखने को मिलती है और साथ में आपको क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का देखने को मिल जाता है। तो इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आप शॉपिंग वगैरह ज़्यादा करते नहीं हैं, कभी कभार आप शॉपिंग कर लेते हैं, अगर आप 5% के चक्कर में कभी कभार शॉपिंग करते हैं और उसके कारण आप इस कार्ड को अप्लाई कर रहे हैं, तो इस कार्ड को मत अप्लाई करना, क्योंकि जितना तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा उतना आपका जो एनुअल चार्ज है 500 वो लग जाएगा। तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपने यूजेस के हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपका यूज है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका यूज नहीं है तो इस कार्ड को मत अप्लाई करना। सो गाइज आज की इस वीडियो में कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।